यूपी के जनपद अयोध्या में उस वक्त अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक बैग की दुकान में भीषण आग लग गई। कोतवाली नगर के रिकाबगंज में लगी इस आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है इस आग से दुकान मालिक का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पुलिस अब इसकी जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार आग किन कारणों से लगी है। दुकान में फायर सेफ्टी के भी कोई इंतजाम नहीं थे। अपने समस्त अधिकारियों को मैंने सूचना दिया और कंट्रोल को सूचना देने के बाद मैं अपने जो भी हमराही हैं मौजूद थे सब लेकर के मैं तुरंत आग बुझाने में लग गया। दरवाज़ा किसी तरीके से खुलवाया, फायर टेंडर जब आई जैसे ही आ गई किसी तरीके से, क्योंकि दरवाज़ा इतना हीट हो रहा था उसे खोला नहीं जा सकता था, कटर से काट करके किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसा गया है और आग पर काबू पाया गया है। ये हमारा अयोध्या में जो चौक बाज़ार है इसमें अट्टी महारानी का मंदिर है, उसके बगल में एक बैग जो था उसका शोरूम था जिसमें प्लास्टिक का बैग और ये जो ट्रैवल बैग्स होते हैं उसका शोरूम था, गोडाउन था यहाँ पर, उसके अंदर में आग लगी थी। संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है, अभी चेक कराएंगे इसको। और इसमें त्वरित जो है पुलिस ने काम किया है, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ त्वरित यहाँ पे पहुँची हैं, 6 थानेदार यहाँ पे पहुँचा के सारा एरिया कॉर्डन ऑफ करके और सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है, जहाँ पर इमीडिएटली फायर को पूरा बुझाया गया है। बड़ा संवेदनशील एरिया है, आसपास निश्चित आबादी भी है और पूरा बाज़ार का एरिया है, तो यदि टाइमली इसमें इंटरवेंशन नहीं होता पूरा बाज़ार भी जल जाता था।